नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। मैं 17 तारीख मई में राजमंड्री बाईपास में आ रहा था, तो उधर एक गाड़ी मैं देख रहा हूँ 10 किलोमीटर तक मैं अपने लेफ्ट में जा रहा हूँ, वो राइट में रॉन्ग रूट में जा रहा है, तो एक्सीडेंट होने का कुछ चांसेस रहती है ना। अच्छा होती है कि घर वगैरह बिछड़ जाती है। और एक नायडू पेट, राजमंड्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, इधर सब है ना, पूरा रोड पे खड़ा करते गाड़ी, बहुत एक्सीडेंट होती है, बहुत घर बिछड़ जाती है। मेरा दो साथिया आज 2 साल 1 साल अंतर में उधर गाड़ी पीछे जाके टोक के मरे। मैं विनती करता हूँ आंध्रा गवर्नमेंट को, थोड़ा सावधान करिए रोड पे, थोड़ा ये करे, वो लोग क्या मार के पैसे छीन लेते ड्राइवर से, अदर स्टेट गाड़ी वालों को। आंध्रा वाला कुछ भी नहीं करता। आंध्रा का गवर्नमेंट जो पुलिस का ना व्यवस्था सब नाशन हो गया, और कुछ नहीं। थैंक यू। देखिए भाई, ये राजमंड्री का बाईपास है, पूरा गाड़ियाँ रॉन्ग रूट में चलती है, इतना चौड़ा है। चार चार लाइन का हाईवे है। इस लाइन में देखो, राजमंड्री जो बाईपास निकलती है ना, जो विशाखापट्टनम से आती है, राजमंड्री बाईपास निकलती है विजयवाड़ा जाने के लिए, पूरा रॉन्ग रोड में आ रहे हैं। ये देखो, दिख रहे हैं रॉन्ग रोड में, एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होएगा वो। देखिए ऐसा है, गाड़ी का नंबर लेना मांगता था मैं, वही कर दिया। गाड़ी का नंबर लूंगा तभी भेजूंगा। नमस्कार ट्रांसपोर्ट टीवी। जैसा कि आज तक जितने भी ऐसे बहुत से एप्स लेते हैं, जिनमें मैं कुछ जुड़ा था, ड्राइवर मित्र मंडल, एक हो जाओ ड्राइवर, हमारी समस्याएं सुनो, ऐसे बहुत से थे, सारे के सारे अदृश्य हो गए। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ट्रांसपोर्ट टीवी को, बहुत कम समय में धन्यवाद उन ड्राइवर मित्रों एंड ओनर्स का जो इसके साथ में जुड़े एक परिवार की तरह। किसी ने भी आज तक अपनी ऐसी आवाज, जो अपनी मजबूरियां थी, मुसीबत थी, वो नहीं पहुंचाई जो ट्रांसपोर्ट टीवी पहुंचा रहा है। वैसे इनका मोवाली में ऑफिस है, ये खुद बात कभी कॉल करते हैं, खुद ही करते हैं, नहीं बताते अपने पास नहीं जाएगी क्या ड्राइवरों के लिए क्या क्या सुविधाएं, जैसे कि इंश्योरेंस है और भी जैसी बहुत सी सुविधाएं। ड्राइव बाई राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की हर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, फिर भी हमारी समस्या है, जैसे कि सोने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, रोड पे रात को चलने की, नो एंट्री हो जाती है, गलती से थोड़ा आगे निकल जाए, सिंगल तोड़ देते हैं, चालान कर देते हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएं रोज ड्राइवर भाई अपने जो सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी को भेज रहे हैं। तो एक ऐसा हथियार बन गया है हमारे पास में इस ट्रांसपोर्ट टीवी का, कि तुरंत निसंकोच उस आवाज़ को, अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचा देते हैं। और जितने भी रोड के ऊपर जो पुलिस वाले हैं, ऐसे पुलिस RTO जो मिलते हैं, आज वो डरते हैं कि इस ड्राइवर के पास में एक ट्रांसपोर्ट टीवी का हथियार है, वो तुरंत इसको सोशल साइट पे डाल देगा और उनकी आवाज़ प्रशासक तक पहुंच जाएगी। और हम भी सीना तान करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ट्रांसपोर्ट टीवी है। जितने भी ओनर्स, ट्रक ओनर्स हैं, वो ड्राइवर हैं, उनसे विनती करता हूँ कि इनके पास में जो भी सुविधा है हमारे प्रति, उन सभी सुविधाओं का लाभ लें और उनका सहयोग करें। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है कि आज तक हमारी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया है, किसी ने नहीं पहुँचाया, केवल यही माध्यम है हमारा। परिवहन मंत्रालय से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये जगह जगह खड़ा रही है, अपनी आवाज को, हमारी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा रहा है। धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी, धन्यवाद ड्राइवर भाई, धन्यवाद।